आप देख रहे हो लिटरल न्यूज़, मैं रेणु शर्मा गुरुजी, पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। बुलंदशहर जनपद में शांति कानून व्यवस्था आपसी सौहार्द बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से आज एडीजी मेरठ जॉन राजीव सभरवाल द्वारा जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार एवं एसपी सिटी, एसपी क्राइम, एसएसपी सहित पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर से ऊपर कोट चौक बाजार खुर्जा गेट चौकी सरायधारी रुकन सराय नरसल घाट कसाईवाड़ा शराफा बाजार लाल कुआं चौक बाजार से अंसारी गेट चौराहा मार्गों पर पैदल रूट मार्च किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए किसी प्रकार की समस्या व साफ सफाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति आदि के बारे में जानकारी ली गई। इसके साथ ही अपील की गई कि आपसी सौहार्द एवं शांति बनाए रखें। संवाददाता मोनू उर्फ जितेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट, देखते रहिए उदित राज न्यूज़। कहा था कि जनता में विश्वास कायम रहे और कोई भी सिरफिरा, कोई असामाजिक तत्व अफवाह फैला करके भाईचारे को ना तोड़े, इसीलिए आज मेरठ जो पूरा जोन है उसके एडीजी साहब भी आए थे, मैं हूँ, एसएसपी साहब हैं, पूरी टीम है। जैसा कि ट्रेडिशनली हम लोग फ्लैग मार्च फुट पेट्रोलिंग में घूमते हैं, आज भी हम लोगों ने जो शहर के संवेदनशील इलाके उनका भ्रमण किया गया है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी था लोगों से बातचीत करना कि कहीं किसी के मन में किसी प्रकार का कोई आशंका तो नहीं है, तो वही एक रूटीन एक्सरसाइज है ताकि आपस में विश्वास कायम रहे और जो जनता का पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे और उनके बीच में कोई असामाजिक तत्व जो है अपना लाभ ना उठा पाए, इसीलिए हम लोगों ने फ्लैग जनता ने ऐसी कोई समस्या से अवगत नहीं कराया। और आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट है उसका एग्जीक्यूशन पर बहुत जोर है, हर इलाका साफ सफाई है, सुबेरे शाम साफ सफाई हो रही, कूड़ा उठ रहा है, जितनी बिजली आनी चाहिए उतनी बिजली मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर आप जान रहे हैं कि बिल्कुल एक्सीलेंट है, कोई भी अपराधी है वो बिल्कुल नहीं पनप पा रहा है, अगर सोचता भी है उससे पहले उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है, तो जनता ऑलमोस्ट संतुष्ट है। फिर भी कई बार कुछ लोग होते हैं अपने घरों से नहीं निकलते हैं और अंदर अंदर घुटते रहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बट हम लोग बीच बीच में रुक करके बात भी किए, किसी ने ऐसी कोई समस्या बताई नहीं।